हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा 3.1 एक्सरसाइज का बेसिक चीज हमने आपको बताई थी कल, क्योंकि हमने अध्याय 3 का आव्यूह स्टार्ट किया था। तो आव्यूह का हम एक बेसिक वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, क्योंकि उसमें आपको आव्यूह के बारे में सारी जानकारी दी है। आव्यूह होता क्या, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, आव्यूह के अवयव, कोटि, सारी चीज समझाई है। आज से हम इसकी एक्सरसाइजों को खत्म करेंगे, यानी कि देखिए किताब में आपको दिखा दूं, ये वाली किताब ले लेना जिसने नहीं खरीदी है, मात्र 100 रुपए की लगभग किताब है NCERT मैथ की, ठीक है। और जिसके पास किताब भी नहीं है तो ये पूरी किताब में PDF में भी दे चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है, नहीं डाउनलोड किया अभी तक, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये किताब PDF में भी प्रोवाइड कर दी है मैंने, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज देखोगे पेज नंबर 70 पर, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं स्टार्ट, जिसका पहला सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, क्या है, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है, तो इसमें पूछा है आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह में अवयव कितने हैं, और ये 13, 21, 33, 24, ये चीज मान पूछा है आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत ही शानदार एकदम लल्लन टॉप सवाल है इसमें। देखिए उत्तर हम इसका करते हैं, सॉल्यूशन अब हम करते हैं। देखिएगा पहला क्या है, इसमें आव्यूह की कोटि आपसे पूछी है, सीधी सीधी बात, पहले में क्या पूछी है, कोटि। अब देखिए कोटि कैसे निकलती है इसमें, ये देखो कोटि मैंने क्या बताई थी, कोटि होती है R into C, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, रो यानी कि पंक्ति कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो पंक्ति कितनी है इसमें, देखिएगा ध्यान से देखोगे, एक रो, ये पूरी जो इस तरह से जो होगी ये आपकी रो होती है, जिस जो पहली बार देख रहे हैं वो सीख लो, ये पहली रो, ऐसे ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, जो इस तरह से लाइन होंगी वो सारी रो कहलाएंगी, इस तरह से जो होंगी वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, ओके। और कॉलम कितने हैं, देखिएगा इस तरह से ये जो है ये कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, तो इसमें कितने हैं, 4 कॉलम है। तो कुल मिला के कोटि कितनी होगी, 3/4 हो गई, कितनी, 3/4, ठीक है। दूसरा, ये उत्तर हो चुका है आपका, पहला उत्तर हो गया, कोटि कितनी है, 3/4, ओके। अवयवों की संख्या, क्या अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, अवयवों की संख्या आप देखिएगा, सीधे सीधे निकाल दे रहा हूं, अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं, देखो नॉर्मली आपको पता चल रहा है कितने हैं, इसमें देखिए इस अवयव यानी कि ये सारे अवयव हैं, 2, 5, ये इस ए अवयव, ये आव्यूह है ए, इसमें ये जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कितने एलिमेंट है इसमें, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12। अब ये बड़ा होता तो हम कैसे गिनते अवयवों की संख्या, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, जो भी ये संख्या है इसकी गुणा करके लिख दो, कितने अवयव हैं, 12 कैसे पता चली, 3 × 4 = 12, और नहीं तो वैसे देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अवयव हो गए, हो गया ना, हो गया, पहला उत्तर हो गया, दूसरा हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, तीसरे में आपकी बहुत सारी दिमाग लगाना पड़े, दिमाग कुछ नहीं है जब तक हम हैं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ए तेरह का मतलब क्या है, देखिए मैंने क्या बताया थी, R into C, ए तेरह का मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, 13 का मतलब पहली रो और कॉलम कौन सा, तीसरा, तो ये कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, तो रो कौन सी, देखिएगा पहली रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा, पहली रो का तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा एलिमेंट ये रहा 19। समझ में आई बात नहीं आई, दूसरे से सीख लो, नहीं समझ में आ रही है तो देखिए, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये पहली रो, ये दूसरी रो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये रहा 35, ठीक है। ए तैतीस समझो, ए तैतीस का मतलब क्या है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये रो है, ये कॉलम, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो तीसरी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीसरी, 1, 2, 3, तीसरा एलिमेंट ये रहा, कितना है, -5। ऐसे ही आपका ए 24, मतलब क्या है, ये क्या है,
समझ जाओ आपको। दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, पहली रो दूसरी रो, दूसरी रो का चौथा कॉलम, एक दो तीन चार, ये रहा दूसरी रो का चौथा कॉलम कितना 12 है। ऐसे ही आपका ए 23 पे कौन सा है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो एक दो तीन तीसरा कॉलम, 5/2। समझ में आई बात नहीं आई, इस तरह से। और वैसे भी मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात, आपको मैंने बताया था ये एलिमेंट कौन सा होता है, इस तरह से लिखे जाते हैं, ये कोई भी इस तरह का आयु है तो ए 11 है, ए 12 है, ए 13 है, ए 14 है, ये 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34, ऐसे ए 41, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। आप देख लो जरा ये वाला कौन सा, ए 13 है, ए 13 यहाँ वाला एलिमेंट है, नहीं ये रहा, ठीक है, ए 21, ए 21 यानी कि ये वाला एलिमेंट, 35, ए 33 यानी कि ये 33 कौन सा, ये वाला एलिमेंट यानी कि ये रहा, ठीक है, ए 24 यानी कि ये रहा यहाँ वाला एलिमेंट 12 है, ये आगे, फिर ए 23 यानी यहाँ वाला एलिमेंट यानी कि ये रहा 5/2, इस तरह से आपको करने हैं। समझ में आ गया, चलिए पहला उत्तर हो चुका है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और आपको मैं समझा दिया कि ये होता कैसे है। समझ में आ गई बात, चलिएगा, पहले को ये रो पढ़ना है, दूसरे को कॉलम पढ़ना है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा रो तीसरी रो, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, ये रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दूसरा सवाल, देखिए इसमें किसी आयु में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो संभव कोटि आपको बतानी है। तो भाई किसी आयु में मानी 24 अवयव हैं, अब आपको नहीं पता किस तरह से, देखो आपको मैं समझाऊंगा नॉर्मली, जिसमें पहले छोटा एक सवाल लेकर देखो, मैं कह रहा हूं कि एक चार अवयव है, एक आयु में चार अवयव है, चार अवयव यानी कि एक दो तीन चार, ये है, तो इसकी कोटि बताओ, संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं। तो देखो संभव कोटि का मतलब क्या है, चार अवयव का आयु ऐसे भी बन सकता है, या डायरेक्टली इन चारों एलिमेंटों को एक दो तीन चार इस तरह से भी रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, एक आयु इस तरह से भी बना सकते हो, चारों को एक दो तीन चार इस तरह से, यानी इन चार एलिमेंटों को तीन तरह से रख सकते हैं। इसकी कोटि क्या बनेगी, 2×2, इसकी एक रो है, ठीक है, लेकिन चार कॉलम है इसमें, तो एक दो तीन चार कॉलम, इसमें क्या है, इसमें एक दो तीन चार, चार इसमें क्या है, रो है, लेकिन कॉलम एक ही है, ठीक है, रो का मतलब इस तरह से जो होंगी ये रो है, ये जो होंगे ये आपके कॉलम है, ठीक है, तो एक दो तीन चार, चार रो एक कॉलम इस तरह से, तो इसकी संभव कोटियां कितनी बननी, इस तरह 2×2, 1×4, 4×1, ठीक है। तो ये पता कैसे चली, क्योंकि हमने बताया कि इसमें चार एलिमेंट हैं, चार तो चार के पहले फैक्टर कर लो, 2×2=4, फिर 2×1=2, तो कितनी बन रहे हैं फैक्टर से हमको पता चल रहा है कि आपका, देखिएगा ये बन रहा है ये, तो यहां पर देखिए 4×1 बन गया, 2×2 बन गया, और 1×4 बन गया, इस तरह से आपकी ये वाले, मतलब ये है कि आपका गुणा इसमें कितने की भी गुणा करो आपको चार लेकर आना है, तो ये तीन कोटि इसकी बन जाएंगी संभव कोटियां, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 24, अब ये कह रहा है कि 24 अवयव है, 24 अवयव वाले की बनाओ, 24 क्या देखिएगा, 24 का हम किस तरह से कट सकते हैं, 24 के पहले फैक्टर कर लो, कि भैया 12×2=24, 2×6=12, 3×2=6, 3×1=3, इस तरह से बन गया, लेकिन हमको 24 ही लेकर आना है, देखिएगा, तो इसकी संभव कोटियां कैसे बन सकती हैं, संभव लिख दो, संभव कोटि, देखिए 24 है, आपको देखो ये फैक्टर ही मत करो, फैक्टर भी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखो दिमाग से बता दे रहा हूं मैं कैसे, आपने 24 अवयव है ना, 24 से स्टार्ट करो, यहां पे लिखो 1, पहले 1×24, यानी कि सारे के सारे एलिमेंटों को आप क्या कर सकते हो, रो में, यानी एक रो में लिख सकते हो 24 के 24 एलिमेंटों को इस तरह से, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको बढ़ाते चलो, इसको घटाते चलो, इसमें एक बढ़ाऊंगा 2 हो जाएगा, 2, 2, अब 2 में कितने की गुणा करूं कि 24 आ जाए, इसमें एक बढ़ा दिया, यानी 2 कर दिया, तो इसमें 2 का भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 12, 12×24, मतलब क्या किया मैंने,
इसमें मैंने इसका डबल कर दिया, इसमें दो की मल्टीप्लाई करी, इसमें दो का भाग कर दिया, यानी कि मैंने क्या करा, अब ये 24 एक ही में रखे थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ 12 12 12 12 दो एलिमेंट इन दो रो में रख दिए, फिर अब मैं क्या करूं इसमें एक और बढ़ा दो, तीन तीन कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीन का मैं इसमें भाग कर दूंगा, तो 3 8 24 इस तरह से। अब मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, तो मुझे 4 यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, 4 का 6 4 24। अब मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, 5 से क्योंकि 24 कटता नहीं है तो 5 नहीं ले सकता, सीधे सीधे 6 ले ले रहा हूँ, 6 6 4 24 6 × 4 ठीक है। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पर 1 7 ले लूंगा तो 7 से 24 नहीं कटेगा, फिर 8 ले लो, 8 8 या 24, फिर 9 9 से नहीं कटेगा, 10 10 से नहीं कटेगा, 11 सीधे सीधे 12 से कट जाएगा, 12 × 2 ठीक है, फिर 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 12 के बाद में सीधे ये 24 से कटेगा, 24 से 24। तो ये इसकी कोटियां बन सकती हैं, संभव कोटियां, ठीक है, यही हो सकती हैं बस। मतलब क्या है कि एक ही रो में रख दो या दो रो में रख दो, दो रो में मतलब क्या है, दो रो बना दो 12 12 एलिमेंट की, या 3 रो बना दो 8 8 एलिमेंट की, या 4 रो बना दो 6 6 एलिमेंट की, या 6 रो बना दो 4 4 एलिमेंट की, या आप 8 रो बना दो 3 3 एलिमेंट की, या 12 रो बना दो 2 2 एलिमेंट की, या 24 रो बना दो 1 1 एलिमेंट की, यानी कि 24 रो का मतलब क्या है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट इस तरह का 24ों को रख दो, या आप क्या करोगे 2 2 एलिमेंट रख के ऐसे 12 बना दो इस तरह से, तो आपके ये मतलब संभव कोटियां इसी तरीके से बन जाती है, आप अपने दिमाग से ही कर सकते हो। यदि ये कह रहा है कि किसी सवाल में ये पूछा कि यदि इसमें 13 अवयव होते तो कितनी कोटियां बन सकती, भाई 13 का मतलब तो ये है, सिंपल सी बात है, 13 का बना सकते हो, तो 13 में तो 1 × 13 कर सकते हो, क्योंकि 13 भैया किसी से कटती नहीं है, सीधे सीधे 13 × 1 ऐसे कर सकते हो, या तो 13 के 13 एलिमेंटों को एक रो में रख दो या एक कॉलम में रख दो इस तरह से, ठीक है, सीधी सीधी बात, तो ये हो गया, ठीक है, तो इसका पहले दूसरे का उत्तर तो ये हो गया, ठीक। तीसरे का देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है, सीधे सीधे देखिएगा, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है यदि 18 अवयव हैं तो आपको संभव कोटियां बतानी है, और बताना है यदि इसमें पांच है तो दो कैसे बनाएंगे। देखिए भाई, जब 18 अवयव हैं तो सिंपल सी बात है, कोटियां बनाओ पहले, दो संभव कोटियां 1 × 18, ठीक है, समझ में आई बात, 1 × 18 का मतलब क्या है कि पहली एक रो और कॉलम, यानी कि एक रो बना दो और उसमें ही 18 का 18 एलिमेंटों को ऐसे रख दो, ठीक है, बन गया एक, या आप क्या कर सकते हो इसमें एक बढ़ा दो, यानी दो कर दो, 2 ने 18, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 2 रो बना दो, 1 में 9 एलिमेंट रख दो, 1 में 9 एलिमेंट रख दो, इस तरह से आप भी बन सकता है, या मैं इसको 3 6 18, या मैं क्या कर सकता हूं 3 रो बना दे रहा हूं और इसमें 6 6 एलिमेंट रख दे रहा हूं, अभी भी 18 एलिमेंट बैठेंगे इस तरह से देख लो, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूं 4 से 18 कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, सीधे सीधे 6 से कटेगा, 6 × 3, यानी कि मैं क्या कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 बना दे रहा हूं, 6 रो बना दी, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट इस तरह से मैं रख दूंगा, तो मतलब क्या है इस तरह से, या आप क्या कर सकते हो 9 × 2, सीधे सीधे 9 रो बना दो, 2 2 एलिमेंट रख दो, या आप कर सकते हो आपका सीधे सीधे 18 × 1, इतना ही कर सकते हो, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है, चलिएगा, तो यही है। और यदि 5 है तो ये 5 का तो सीधे सीधे बन जाएगा 5 × 1 या 1 × 5, ठीक है, मतलब ये है कि इनको इनके 5 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर 5 आ जाए, 18 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने पर 18 आए, सीधे सीधे बात, 18 × 18 2 ने 18 3 6 18 6 18 9 2 18 18 × 18 यही गुणनखंड बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकते, ठीक है, चलिएगा, 1 से स्टार्ट करो, इधर को बढ़ाते चलो, इधर को घटाते चलो, ठीक है, बस बात खत्म, ठीक है, अपने आप बंद कर जाने, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, ये देखिएगा, चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है चौथा,
चौथा प्रश्न है आपको 2x2 का आव्यूह बनाना है। 2x2 का आव्यूह का मतलब क्या है, आपको इस तरह का एक आव्यूह बनाना है जिसमें कितने होंगे, 2x2 का मतलब क्या है, दो रो दो कॉलम मतलब इस तरह से दो रो और दो कॉलम, यानी कितने इतने एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर A11 है, A12 है, A21 और A22 इस तरह का होगा, बस ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त कही है कि आपको इस तरीके के 2x2 का आव्यूह एक बनाना है, आव्यूह बनाना है जिसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे i into j, इस तरीके के एलिमेंट होंगे कि पहले का रिलेशन दे रखा है ai into j बराबर i+j का होल स्क्वायर बट्टे दो, और दूसरे में आपको देना है दे रखा है i into j बराबर i/j, और तीसरे में आपसे कहा है कि i into j बराबर i+2j का स्क्वायर बट्टे दो। ये देखिए कितना शानदार है, कुल मिलाकर बात ये आई जे का मतलब भाई पहले देखो एस टाइप के सवालों में ये देख लो 2x2 का बनाना है तो मतलब 2x2 का आव्यूह कैसे होगा, इसमें दो ही रो होंगी, एक रो दो रो और दो ही कॉलम होंगे, सिंपल सी बात है 2x2 यानी कि 4 एलिमेंट होंगे, सीधे सीधे दो रो दो कॉलम ये बन गया, ठीक है, इतना तो जानते हो। और इसमें आप पहले सबसे पहले क्या करो, A11 A12 ऐसे लिख दो, नाम लिख दो A11 A12 ऐसे, और आगे चलता जाएगा 13 14 15 21 22 23 नीचे होता 31 32 33 तरह से रखेंगे। अब देखो इसमें एलिमेंट कौन सा आएगा, सीधे सीधी बात है रिलेशन है ये वाला, कौन सा रिलेशन है, आई जे बराबर आपका i+j का होल स्क्वायर बट्टे दो, ये है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया। अब यदि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, A11 ले रहा हूं, देखो ये वाले एलिमेंट लेने 1 2 3 4 ठीक है, A11 लिया, 11 का मतलब क्या है, आई की जगह पर 1 ले लिया, जे की जगह पर 1 ले लिया, तो यहां पर रख दो बस, आई की जगह पर कितना 1 रखेंगे प्लस, और जे की जगह पर भी कितना रखेंगे 1 रखेंगे का होल स्क्वायर बट्टे दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बट्टे 2 और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया A11 यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही A12 का निकालो, क्या बोला है i+j का होल स्क्वायर, यानी i की जगह पर 1 प्लस और j की जगह पर 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 1 और 2 3 3 का स्क्वायर 9 9 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है, A21 समझ में आ रही है बात, A11 A12 निकले 21 और 22, 21 की जगह पर क्या आएगा, यानी कि i की जगह पर 2 है तो 2 प्लस j की जगह पर 1, जे की जगह पर कितना 1 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 2, ऐसे ही 22 कितना है i की जगह पर 2 जे की जगह पर 2, यानी कि ये वाला निकालना है, तो 2+2 यानी कुल मिलाकर बात ये है, रिलेशन आपको दे रखा है इसी से खोल, 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 बट्टे 2, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो कुल मिलाकर आव्यूह कितना बनेगा, आव्यूह आपका बन गया 11 12, 11 की जगह पर कितना आया 2 और 12 की जगह पर आया 9 बट्टे 2, फिर 21 की जगह पर 9 बट्टे 2 और 22 की जगह पर 8, दिस इज योर आंसर। पहला समझ में आ गया, ये इस वाले रिलेशन से ये आ गया, ठीक है। दूसरे वाले में देखो ये क्या है, i j बराबर i/j इस तरह से करना है, आव्यू वही रहेगा, तो ये सारी चीज बस रिलेशन बदलना है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया, ठीक, अब देखिएगा इसमें भी यही काम करना, अब के रिलेशन कौन सा लेना है, अब की बार रिलेशन लेना है i j बराबर i/j, क्या लेना है i/j, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 11 मतलब i/j, i की जगह पर 1, j की जगह पर 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 12 i की जगह पर कितना है 1, i की जगह i वाला ऊपर j वाला नीचे, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर है 2, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 21 i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1, 2/1 यानी कि 2, और 22 i की जगह पर कितना, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 2, 2/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो आव्यूह क्या बन जाएगा, आव्यूह बना दो, ठीक है, आव्यूह क्या बन गया 11 12, देखो 11 12 1 और 1/2,
फिर दो और ये क्या हो जाओ एक, ये आ गया। समझ में आई बात नहीं आई इस तरह से, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब तीसरा देख लो, आई जे बराबर आई इंटू टू जे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपके बस रिलेशन बदलना है, रिलेशन कितना लेना है आपके, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बट्टे दो, ठीक है। कोई देखो घबराओ मत, आपको क्या करना है, नीचे तो दो लेकर आना है, आई की जगह पे क्या है वन है, प्लस टू जे, दो जे की जगह पे वन है, दो इंटू वन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखिए कितना हो जाएगा, दो एकन दो, दो ही रहेगा, दो में एक जोड़ देंगे तीन, और तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ बट्टे दो। समझ में आई बात नहीं है, जिसको नहीं आ रही समझ फिर से देखो, नीचे तो ये दो रहेगा, आई की जगह पर वन, प्लस जे की जगह पर कितना है दो है, तो दो जे यानी कि दो इंटू दो का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, आपको वैसे ही पता है दो दूनी चार, और चार और एक क्या हो जाएगा पांच, और पांच का स्क्वायर कितना है पच्चीस बट्टे दो। समझ में आई बात नहीं आई, नीचे दो है आई की जगह पे, यहां पे आपके देखिए आई की जगह पे है दो, प्लस जे की जगह पे है वन, तो यहां पे लिख रही है दो और जे, जे की जगह पे कितना है वन है का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, दो एकम दो और दो चार, और चार का स्क्वायर कितना सोलह, सोलह बट्टे दो, और दो से सोलह कट जाएगा कितने बार आठ बार। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है, फिर से देख लो आपके, चलो मैं थोड़ा सा लंबा कर दे रहा, ये नीचे दो है ठीक है, ये आई की जगह पे दो, प्लस जे की जगह पे दो इंटू दो का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा इस तरह से, दो प्लस दो दूनी हो जाएगा चार का स्क्वायर बट्टे दो। अब देखिएगा चार दो छह, छह का स्क्वायर बट्टे दो, छह का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस बट्टे दो, दो से छत्तीस कट जाएगा अठारह दूनी छत्तीस, तो अब क्या बनेगा आयु, आयु आपका बनेगा ग्यारह बारह, यानी कि नौ बट्टे दो और बारह की जगह पर पच्चीस बट्टे दो, और 21 की जगह पे 8 और 22 की जगह पे 18, बन गया ना बन गया। इस तरह से बस रिलेशन आपको याद रखना, इसी तरीके से आपका होते चले जाएंगे, बहुत जल्दी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को कराते हैं, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिएगा अब देखिए पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल है आपका, इसमें तीन बाई चार का आव्यूह बनाना है, तीन बाई चार का एक आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। और इसमें इस तरह से आव्यूह लेने हैं, पहला देखिएगा कि ए आई जे बराबर एक बट्टे दो और मॉड थ्री माइनस थ्री आई प्लस जे, ये करना है। और दूसरे में आपको किस तरह से लेना है, आई जे बराबर टू आई माइनस जे, ये है आपका। देखिए बहुत ही शानदार एकदम ललन टॉप दे रखा है, तीन बाई चार का मतलब देखिए, पहले चीज यहां पे समझिए, तीन बाई चार का आव्यूह क्या है, तीन बाई चार का आव्यूह होता कैसा है पहले तो ये जान लो, तीन बाई चार का आव्यूह का मतलब ये है कि रो कितनी होंगी आपकी, एक दो तीन इस तरह से, और कॉलम कितने होंगे चार, एक दो तीन चार इस तरह से होंगे, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका रो कितनी तीन, तीन रो एक दो तीन, ठीक है। जैसे कि ए ग्यारह है, ए इक्कीस, ए इकतीस, ये तीन रो बन गई, एक रो दो रो तीन रो है, और कॉलम कितने रहेंगे चार रहेंगे, यानी कि चार कॉलम, ग्यारह के बाद में बारह तेरह और चौदह, बन गया ना बन गया, चार कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम, एक रो दो रो तीन रो, ठीक है। चलिएगा ऐसे इक्कीस, ए बाईस, ए तेईस, ए चौबीस, ऐसे ए बत्तीस, ए तैतीस, ए चौंतीस, बन गए देख लो, एक रो दो रो और तीन रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम और चार कॉलम, तो ये हो गया तीन बाई चार का,
आवी, ठीक है चलेगा। अब रिलेशन क्या दे रखा है यहाँ पे देखिएगा, रिलेशन पहली चीज में आपको रिलेशन दे रखा है ए आई जे, रिलेशन आपको दे रखा है एक बट्टे दो मॉड थ्री आई माइनस थ्री आई प्लस जे, ये दे रखा है, कोई बात नहीं है ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधी बात, ए ग्यारह निकालेंगे, ए ग्यारह कैसे निकलेगा वही काम करो, एक बट्टे दो मॉड माइनस तीन इंटू आई, आई की जगह पे वन है तो माइनस तीन इंटू वन प्लस जे, जे की जगह पे भी आपका कितना है वन है, समझ में आ रही है बात नहीं आ रही ठीक है। ऐसा समझो कि ये वाला, ये वाले जो आई वन वन, ये वाला आपका यहाँ पे वन और ये वाला वन, ये आई जे वाला वन है और बाकी तो सारी चीजें ऊपर रिलेशन दे रखे, आई की जगह पे वन और जे की जगह पे वन, क्यों, क्योंकि ये रहा, ये पहला आई कहलाएगा दूसरा जे कहलाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा अब इतना तो सॉल्व करना आता ही आप पे, एक बट्टे दो है ठीक है और इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तीन एकन तीन, देखिए मॉड की चीज सिखा रहा हूं, इसको आप एक जगह सॉल्व करना सीख लो पहले, डायरेक्टली भी सॉल्व करना होता हूँ, माइनस तीन की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा प्लस का वन, और माइनस तीन में प्लस का वन करेंगे तो माइनस का दो आएगा मॉड आ जाएगा, और मॉड को खोलेंगे तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ पहले, तो माइनस का मॉड दो और मॉड दो हमेशा खुलेगा तो ये प्लस का दो ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा एक बट्टे दो गुणा दो, और दो से दो कट जाएगा तो ये एक आ जाएगा, समझ में आई बात नहीं आई, तो ए ग्यारह की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ए आप 12 की निकालेंगे, ए 11 की आ गई ए 12 की ठीक है। तो आप देखिएगा यहीं पे लिखते चलो, ये वाला एलिमेंट आपका आ गया, चलो यहाँ पे 11 ही लिख रहे हैं, दो अगले वाले में लिख देंगे ठीक है चलिएगा। अब आपको इसी तरीके से एलिमेंट बनाते जाना जैसे कि ये हो गया ठीक है, पहला एलिमेंट आपका निकल के आ गया एक, यहाँ पे तो आ गया एक ये वाला। अब ये वाला एलिमेंट देखो, ये वाला ए 12 है, ए 12 है एक बट्टे दो ठीक है मॉड माइनस तीन इंटू आई की जगह पर कितना वन प्लस जे की जगह पर कितना दो, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एक बट्टे दो गुणा ये कितना हो जाएगा माइनस तीन एकम माइनस तीन में दो जोड़ेंगे तो माइनस तीन प्लस का दो तो कितना आ जाएगा माइनस का वन आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा और माइनस वन का मॉड करेंगे तो वही चीज आई एक बट्टे दो इंटू वन, तो सीधे सीधे एक बट्टे दो आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला एलिमेंट एक बट्टे दो आ गया ठीक है, ये निकला है। अब ऐसे ही ए तेरह निकालेंगे, ए तेरह कैसे निकला, एक बट्टे दो और ये मॉड कर दिया माइनस तीन इंटू आई की जगह पर वन प्लस जे की जगह पर तीन। अब देखिए तीन एकम तीन, तीन प्लस तीन तो ये कितना हो जाएगा माइनस का तीन और प्लस का तीन जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा जीरो, ये जीरो आ गया। ऐसे ही आपका ए चौदह एक बट्टे दो गुणा ठीक है माइनस तीन गुणा यहाँ पे क्या आई की जगह पे कितना वन प्लस और ये हो जाएगा चार, जे की जगह पे कितना है चार, जे की जगह पे चार है, चार लिख दिया माइनस तीन एकम तीन, चार में से तीन जाएंगे तो एक बचेगा, सीधी सीधी बात एक बट्टे दो गुणा एक आ जाएगा और सीधे सीधे एक बट्टे दो, तो ये वैल्यू एक बट्टे दो आ गई। इस तरह से आपकी एक रो तो बन चुकी है, अब ये दूसरी वाली रो के एलिमेंट निकालेंगे सारे ठीक है। यहां तक समझ में आया, इसी तरीके से करते रहिएगा ठीक है चलिएगा। आपको मैं और सिखा दे रहा हूँ, ए इक्कीस एक बट्टे दो गुणा ये माइनस तीन इंटू आई की जगह पे अब कितना दो है दो प्लस और इसकी जगह पे कितना आ गया वन ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक बट्टे दो गुणा ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, देखे तीन दूनी छह माइनस का छह, माइनस के छह में एक जोड़ देंगे तो माइनस का देखिएगा ये है माइनस का तीन इंटू दो प्लस एक, तो तीन दूनी छह माइनस का छह प्लस एक इस तरह से आएगा, तो ये मॉड में कितना आ जाएगा मॉड में माइनस का पांच आ जाएगा, माइनस पांच के मॉड को खोलेंगे तो डायरेक्टली सीधे सीधे पांच लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा पांच बटे दो आ जाएगा, समझ में आया। डायरेक्टली अब सीख लो आप चीजों को ठीक है। इसी तरीके से ए बाईस में एक बट्टे दो और आई की जगह पे ये माइनस का तीन गुणा आई की जगह पे दो प्लस दो, ये कितना आ जाएगा एक बट्टे दो गुणा तीन दूनी छह, छह में से दो जाएंगे सीधे सीधे चार लिख दो चार, और दो से चार कट जाएगा तो दो आ जाएगा, ये दो आ जाएगा। ऐसे ही तेईस
एक बटे दो गुणा माइनस तीन इंटू आई की जगह पर कितना है दो है प्लस जे की जगह पर कितना तीन, तो कितना हो जाएगा एक बटे दो गुणा तीन दुनी छह, छह में तीन गए तो तीन बचेंगे सीधे सीधी बात, तो तीन बट ये तीन बटे दो हो जाएगा। ऐसे ही एक चौबीस, एक चौबीस की वैल्यू निकालेंगे एक बट्टे दो माइनस का तीन गुणा माइनस तीन गुणा आई की जगह पे कितना है दो है प्लस ये हो जाएगा चार, जे की जगह पे कितना ये चार हो गया। एक बट्टे दो गुणा अब देखिए इसको सॉल्व करना सीखो, तीन दूनी छह, छह हो गया और छह में चार जोड़ देंगे, देखिए माइनस का छह, माइनस के छह में यदि चार जोड़ेंगे तो माइनस का दो क्योंकि मॉड लग रहा है इसलिए प्लस का दो आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा तो ए चौबीस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी, वन आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू भी आपको पता चली सीधे सीधे, इक्कीस की वैल्यू कितनी आई है पांच बटे दो, ठीक है, बाईस की वैल्यू कितनी आई है दो, अच्छी तेईस की वैल्यू कितनी आई है तीन बटे दो और आपकी चौबीस की वैल्यू कितनी आई है वन आई है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू भी निकाल लोगे आप, ठीक है, क्या निकाल के बताऊं, चलो निकाल के बता दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीधे सीधे, अब आपको कितना था ये 31 32 33 की निकालनी थी, तो 31 31 की कैसे निकलेगी सीधी सीधे, देखो ये वाला रिलेशन था एक बटे दो मॉड आई की माइनस तीन, माइनस तीन इंटू आई की जगह पर कितना है तीन है प्लस जे की जगह पे वन, ये कितना हो जाएगा एक बट्टे दो इंटू तीन तिया नौ, नौ माइनस का नौ प्लस का वन तो कितना हो जाएगा माइनस का आठ, माइनस का आठ का मतलब प्लस का आठ क्योंकि मॉड है, दो से कट जाएगा चार आ जाएगा। ऐसे ही बत्तीस, एक बट्टे दो गुणा माइनस तीन, माइनस तीन गुणा तीन प्लस दो तो कितना हो जाएगा एक बट्टे दो गुणा तीन तिया नौ, नौ में से दो जाएंगे तो कितने बचेंगे नौ में से दो जाएंगे सात बचेंगे, सात ये प्लस का सात आ जाएगा तो हो जाएगा सात बट्टे दो। ऐसे ही तैतीस, यानी कि एक बट्टे दो गुणा माइनस का तीन गुणा तीन प्लस तीन, तीन तिया नौ, नौ और नौ में से छह चले जाएंगे, नौ में प्लस का छह जोड़ेंगे तो माइनस का छह बचेंगे, माइनस का छह क्योंकि मोड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस का छह हो जाएगा, छह से ये कट जाएगा तीन बार तो ए तैतीस की वैल्यू आ गई। ऐसी ए चौंतीस, एक बट्टे दो गुणा चौंतीस माइनस तीन गुणा आई की जगह पे तीन प्लस जे की जगह पे चार तो एक बट्टे दो गुणा तीन तिया नौ, नौ में से चार जाएंगे तो कितने बचेंगे पांच बचेंगे, सीधे सीधे पांच लिख दो, ठीक है पांच बट्टे दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको पता चल गई, तो सीधी सीधी बात ये वैल्यू अब नीचे जाके आपको लिख देना है, अतः है आव्यूह बराबर ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना 31 की वैल्यू चार है, 32 की वैल्यू सात बट्टे दो है और 33 की वैल्यू कितनी है तीन है और ऐसी 34 की वैल्यू पांच बटे चार है, पांच बटे सॉरी दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये है, देखिएगा ये 2y माइनस ये तो और भी सिंपल है, चलिए ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, एक आधा एलिमेंट, एक आधे ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी इसमें से, इसमें से केवल ऐसा करूंगा आपका ये वाले की, ये वाले एलिमेंट में आपको बता दे रहा हूं, चलो ये वाले पूरे पूरे निकाल रहे ए ग्यारह ए इक्कीस ए बाईस, चलो मैं निकाल दे रहा हूं ए यदि ग्यारह है कैसे निकलेगा इस वाले के अकॉर्डिंग, इस वाले टू आई, टू आई माइनस जे तो टू आई की जगह पर कितना है वन है माइनस जे वन, तो दो एक दो, दो में से एक गया तो एक आ जाएगा। ऐसे ही आपका ए इक्कीस निकाल लो, ए इक्कीस कैसे निकलेगा दो इंटू आई की जगह पर दो है माइनस एक तो कितना हो जाएगा दो दो चार, चार में से एक गया तीन। ऐसे ही आपका ए इकतीस, ए इकतीस कैसे निकलेगा दो इंटू आई की जगह पर तीन है माइनस एक तो कितना हो जाएगा दो तीन चार, छह में से एक गया पांच सीधे सीधे, तो ये एक तीन पांच सीधे एक तीन पांच इस तरह से। ऐसे ही चलो ये चीज छोड़ के मैं सीधे सीधे ये निकाल दे रहा हूं आपका कितना है ए तेरह, ए तेरह, ए तेरह कैसे निकलेगा देखिए क्या बताई थी मैंने, ये टू आई, टू आई की जगह पर वन है माइनस जे की जगह पर तीन तो कितना हो जाएगा दो एक दो, दो में से तीन जाएंगे माइनस एक। ऐसे ही आपका तेईस, तो आई दो आई की जगह पर दो है माइनस तीन, ठीक है जे की जगह पर तीन, दो दो चार, चार में से तीन गया एक। ऐसे ही आपका तैतीस कितना दो आई की जगह पर कितना तीन है माइनस तीन,
दो तीन अच्छा छह में से तीन का तीन इस तरह से। तो मतलब ये इसी तरीके से आपको पढ़ते चले जाए, जैसे मान लीजिए ये निकालना है ए चौंतीस निकालना है तो कितना है दो इंटू आई की जगह पर तीन माइनस जे की जगह पर चार, तीन छह छह में चार गया दो, सीधी सीधी बात है। सारी वैल्यू आप निकाल लोगे, सारी वैल्यू को यहाँ पर रख देना जैसे ये निकले थे इस तरह से निकाले मैंने आपके खड़े खड़े, तो लिख देना इस तरीके से आप बनाओगे तो ये 11 21 31 11 21 31 तो 1 3 5 1 3 5 ठीक है। ऐसे दूसरे का निकालना इस तरीके से खड़े खड़े लिख देना, आपकी इच्छा जैसे चाहो वैसे निकाल लो और आप कर दीजिएगा ठीक है। पांचवा भी आपका हो चुका है, इतना तो आप समझ ही गए। चलिएगा इसका उत्तर मुझे बताओ, इसका उत्तर कितना आएगा, सीधी सीधी बात आप उत्तर बताइएगा ठीक है। वीडियो को रोको, उत्तर लिखो, सवाल करो उत्तर लिखो। ये सवाल, इस सवाल में आपसे बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे निकालनी है, आयु बराबर आयु दे रखे हैं इस तरीके से, छठे का पहला छठे का दूसरा छठे का तीसरा, फिर ये सातवां सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आपको ये देखिए इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, समझो ये आयु बराबर ये दे रखा है और इस आदमी जब दो आयु आपके बराबर होते हैं तो उनके एलिमेंट में आपस में बराबर होते हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि आप देखिए x की जगह पे ये कौन सा एलिमेंट है इसका, यानी कि ये कौन सा है पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे भी देख लो सीधे पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट कितना है, ये देखिए ये है समझो, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे तो x की जगह पे ये आ जाएगा, x के समतुल्य कौन सा है ये है, तो सीधी सीधी बात यह x की वैल्यू 1 आ गई ठीक है। y y यहाँ पर रखा हुआ है यानी कि इसमें देखिएगा ये पहली रो का पहला एलिमेंट y है, तो यहाँ पे देख लो पहली रो का पहला एलिमेंट कितना है 4 है, तो ये इसका निकल आया, ये उत्तर हो गया। ऐसी जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट z है तो इसमें देख लो पहली रो का दूसरा एलिमेंट कितना है 3 है, तो ये z बराबर 3 है, उत्तर आ गया नहीं आ गया। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या है ये देखिएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई दे रखा है एक्स प्लस वाई और यहाँ पर ये 6 दे रखा है, एक समीकरण बन गई, एक समीकरण ये बन गई है 5 प्लस जेड है, ये कितना है 5 प्लस जेड बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहां से आपको पता चल गई जेड बराबर तो कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। ये समझ में आ गया, ये क्यों आ गया क्योंकि 5 प्लस जेड यानी कि इसकी जगह पे ये दे रखा है यहाँ पे ये है 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। एक ये दे रखा है, एक तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि एक्स प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स इंटू वाई बराबर 8 है, तो आपको देखो दिमाग में क्या है, दिमाग में ऐसा चीज समझो कि इन दोनों संख्याओं की यदि गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 8 और दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 6, तो सिंपल सी बात है 8 के गुणनखंड कर लो तो कितने बार चले जाएंगे 2 एकम 2, तो कैसा रहेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कुल मिलाकर बात यह है कि x की जगह पे 2 लोगे तो y की जगह पे आपको 4 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 2 प्लस 4 6 हो जाएगा है, और ये या फिर x की जगह पर आप 4 ले रहे हो तो y की जगह पर 2 लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात यह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो आपको यहां से पता चल गया गुणनखंड करने पर क्या पता चल गया x इंटू वाई बराबर कितना लिख देंगे 2 इंटू 4, सिंपल सी बात x बराबर 2 और y बराबर 4, क्यों क्योंकि x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x की जगह पर 2 लिख दो y की जगह पर 4 लिख दो, 6 बराबर 6 दोनों मतलब राइट हैंड साइड बराबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए दोनों, काम खत्म। तो आपको पता चल गया ये आपकी इच्छा है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो y बराबर 2 और x बराबर 4 आपकी इच्छा है, क्योंकि ये समीकरण दोनों फुलफिल होनी चाहिए, दोनों समीकरण फुलफिल हो रही हैं दोनों ही कंडीशन से ठीक है। चलिए ये भी हो गया ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गई, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे सीधे आ जाते हैं, ये देखिएगा ये आपसे पूछा है इसमें क्या कहा है, इसमें 3 समीकरण दे रखी है, एक तो ये दे रखी है वाई प्लस जेड बराबर 7 और एक दे रखा है एक्स प्लस जेड बराबर 5। पहले इन दोनों समीकरणों को ही सॉल्व कर लो, घटा दो, इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे, जेड में से जेड गया, जेड से जेड कट गया, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2, तो ये एक अपने आप में एक समीकरण बन गई नहीं, इसको मैं समीकरण मान ले हूं एक ठीक है। एक समीकरण यहां से ले लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है ठीक है,
और यहां से देखिएगा एक्स, ये देखिए वाई और जेड, वाई और जेड की वैल्यू कितनी थी, सात थी, वाई और जेड की वैल्यू सात थी, तो एक्स प्लस सात बराबर नौ हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, नौ माइनस सात, तो एक्स बराबर कितना, दो, एक्स एक्स बराबर दो आ गया, ये वैल्यू यहां पर रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बराबर दो था, तो वाई माइनस एक्स की जगह पर कितना आया, दो बराबर दो हो जाएगा, तो वाई बराबर दो प्लस दो उधर चला जाएगा, दो हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो गया, चार हो गया, ये निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको देखिए एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की वैल्यू निकल आई, और जेड की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी, देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ है, एक्स और वाई, एक्स वाई की वैल्यू ऐसे भी आपको देखिए नॉर्मली हमको जेड की निकालनी है, तो एक्स, हाँ देखिए ये लिख दो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है दो, और वाई की वैल्यू है चार प्लस जेड बराबर नौ, तो चार और दो कितना हो जाए, छह प्लस जेड बराबर नौ, और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ माइनस छह, नौ में छह गए तीन, जेड बराबर तीन, ये निकल आया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तीनों वैल्यू निकले ही निकले ही, देख लीजिए इस तरीके से कर ली हमने, हमने सबसे पहले कौन कौन सी समीकरण ली, पहले ये ली, ये दोनों को बराबर रखा, इसमें से इसको घटा दिया, तो ये समीकरण आपको निकल के आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमको वैसे भी दिखाई दे रही थी, तो हम चाहते तो यहां से हम देखो इसको ना करके हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते थे, देखिए ये वाली ले ली एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपकी नौ ले लिया, ये वाली समीकरण, एक्स और जेड, एक्स और जेड की दोनों की मिलके वैल्यू है पांच, तो पांच प्लस यहां पर बचेगा वाई बराबर नौ, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नौ माइनस पांच, तो कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू चार आ गई, एक बार में निकल आई वाई की वैल्यू, फिर से इसी समीकरण को लेते, फिर से इसी समीकरण को ले लिए, वाई और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वाई और जेड की वैल्यू सात थी, तो एक्स प्लस सात बराबर नौ, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, दो निकल आई, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, दो यहां से, ठीक है, नौ में से सात चले जाएंगे, दो आ गए, एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू चार, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो और वाई की वैल्यू चार, तो जेड की वैल्यू कितनी बचेगी, सात, सॉरी यहाँ पे देखिएगा चार और दो छह, छह निकल जाएगी, तीन बचेगी, तीन, तो आपको ये घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली भी निकाल दिया आपने, आपकी इच्छा है, देखिए जैसे चाहो वैसे कर लो, आपकी इच्छा है, घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली निकल जाएगी इसी समीकरण से वैल्यू, ठीक है, तो आपकी इच्छा है जैसे चाहो वैसे निकाल लो, ठीक, घटा के निकाल लो या आप सीधे सीधे जोड़ जोड़ के निकाल लो, ठीक है, चलिए तीन बार कर लीजिएगा उसी चीज को, तो निकल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।